हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड है। एमपी बिरला ग्रुप की और भी कंपनीज हैं, जैसे कि यूनिवर्सल केबल, बिरला केबल, हिंदुस्तान गम एंड केमिकल लिमिटेड। यूनिवर्सल केबल और बिरला केबल लिस्टेड है। और अब कंपनी की एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड एक फ्लैगशिप कंपनी है एमपी बिरला ग्रुप की, जो कि स्टार्ट हुई थी एज ए जूट मैन्युफैक्चरिंग इन 1919। कंपनी ने 100% जो शेयर्स हैं वो एक्वायर किए हैं रिलायंस सीमेंट कंपनी के, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। और इस एक्विजिशन के बाद में ये जो कंपनी है ये बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। ये जो डील हुई थी ये 4,800 करोड़ में हुई थी, ये अगस्त 2016 में हुई थी। तो अब जो टोटल कैपेसिटी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की वो 10 MTPA यानी मिलियंस टन पर एनम से इंक्रीज होकर 15.5 MTPA हो जाएगी। और अब कंपनी की जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं एक बार उनकी तरफ भी देख लेते हैं। ये टोटल आपके सामने जो है 7 सब्सिडरीज कंपनीज हैं जो बिरला कॉरपोरेशन की हैं, जिनमें कि बिरला जूट सप्लाई कंपनी लिमिटेड है, लोक सीमेंट लिमिटेड है, उसके अलावा बिरला सीमेंट असम लिमिटेड है, RCCPL प्राइवेट लिमिटेड है, एक्सेट्रा। और अब ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। कंपनी के किस किस स्टेट्स के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कंपनी के जो ब्रांड्स के जो नेम है वो थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे कि एमपी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस यूपी, एमपी, महाराष्ट्र यहाँ पर है। इसके अलावा एमपी बिरला चेतक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब साइड में है। उसके अलावा एमपी बिरला सीमेंट सम्राट जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, एमपी एक्सेट्रा में है। कंपनी का जो बिजनेस है वो सभी इंडिया के सभी स्टेट्स के अंदर है। कंपनी स्पेशल सीमेंट कैटेगरी जो है उसको भी कैटर करती है, जिसमें कि रेलवे स्लीपर ग्रेड सीमेंट IRS T40 है, लो हीट सीमेंट IS 12600 है। कंपनी दोनों ही कैटेगरी के PPC एंड OPC सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। PPC जो है वो बेसिकली सिविल वर्क, ब्रिजेस और टावर्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। कंपनी 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड सीमेंट का भी प्रोडक्शन करती है। और अब कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है एक बार वो देख लेते हैं। कंपनी के 10 प्लांट हैं जो कि 7 लोकेशंस पर हैं, जैसे कि MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो 95% सीमेंट प्रोडक्शन से आता है और 5% के आसपास जूट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और अब हम कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 62.9 अप्रॉक्सीमेट 63% के आसपास जो है वो प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.89 11% के आसपास है और FII फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 3.62% है। और अब कंपनी की एक बार वैल्यूएशंस देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का पी देखते हैं जो कि 19.74 है और जो इंडस्ट्री का पी है वो 27 है। तो जो इंडस्ट्री का पी है उससे कंपनी कम पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 564 है और प्राइस टू बुक 1 के आसपास है। और अब कुछ रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो लास्ट 3 ईयर के 17% के आसपास है, नेट मार्जिन 4.5 के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल वो अभी सिंगल डिजिट में है। कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी तो ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये कंपनी की इंक्रीज होगी। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है लास्ट 5 ईयर से। अभी जो रिसेंटली जो डिविडेंड दिया है वो 7.5 रुपीज़ है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं एक बार। 2016 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3200 करोड़ के आसपास था
जो कि 2020 के अंदर 4,700 करोड़ है। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 2016 में 186 करोड़ के आसपास था, जो आज 2020 के अंदर 421 करोड़ है। इसी तरीके से अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्सीमेट डबल हुआ है 2020 में। और जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो भी लास्ट 5 ईयर्स के ठीक हैं। और अब ये देखते हैं कि कंपनी में जो आने वाले टाइम है उसमें क्या ट्रिगर्स हैं। बिरला कॉरपोरेशन जो है वो अपने आप को टारगेटिंग कर रहा है कि अपनी जो कैपेसिटी है वो 25 MT यानी मिलियन टन ले आए बाय 2025, ये कहना है कंपनी के चेयरमैन का। एंड बाय अगस्त 2021 जो कैपेसिटी है वो 20 MT पर लाने का। अभी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 15.5 MT है। और अभी सभी सीमेंट कंपनीज जो हैं उनका एक बार मार्केट शेयर देख लेते हैं। तो सबसे जो टॉप पर है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है, जिसका मार्केट शेयर 21% के आसपास है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट है, जिसका मार्केट शेयर 6.2 है। और बिरला कॉरपोरेशन, इसका मार्केट शेयर अभी 3.2 है। जब इनकी कैपेसिटी जो है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी तो इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा। और अब कंपनी के स्टॉक प्राइस का टेक्निकल चेक ले लेते हैं एक बार। अभी आपके सामने जो ये बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड का 8 ईयर का स्टॉक का चार्ट है, जो अभी करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है वो 613 रुपीज़ है। जनवरी 2018 में स्टॉक का प्राइस 1,250 के आसपास था। जो नियर टर्म जो उसका टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो टारगेट बनता है वो 800 रुपीज़ का है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए है। इस स्टॉक को भी हम अपने जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें ऐड करेंगे। अभी स्टॉक का प्राइस 613 है, तो इसमें 25 स्टॉक हम दोनों ही पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो ए एंड बी में ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट वो 15,000 के आसपास है। लास्ट डे मार्केट काफ़ी डाउन हो गई थी, तो इसमें आप दूसरा काम एक ये भी कर सकते हैं कि अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए निफ्टी 11,200 के पे भी जा सकता है, तो आप इसमें क्वांटिटीज अपनी हाफ कर दीजिए। 12 क्वांटिटीज अभी बाय कर लीजिए और 12 क्वांटिटीज कुछ प्राइस डाउन होने पे ऐड कर लीजिए। बट हम पोर्टफोलियो में अभी 25 क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू सो मच।